will be the prime ministerial face of the opposition in 2024. Betting on Rahul Gandhi to lead the opposition, Kamal Nath said that Rahul Gandhi does not do politics for power, that he does it for the people of the country. The BJP has now reacted to this, saying that the Congress party may want to project Rahul Gandhi, but before the opposition can settle on the PM face, it will have to contend with the various aspirants. In fact, BJP Shahnawaz Hussain went on to name Mamata Banerjee and Nitish Kumar among those who also have prime ministerial ambitions. Akhilesh Yadav, for one, has literally tossed aside the idea of joining Rahul Gandhi's idea, and it's not the kind of response that a prime ministerial hopeful should really be expecting. राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को. अरे न्योता, हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो. अगर तुम्हारी जेब में हो इनविटेशन तो आप उनसे भारत जोड़ यात्रा. अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है. अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आभास से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है. लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है. अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो. हैज ममता बनर्जी जी, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, केसीआर जी, मायावती जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, ऑल ऑफ देम एंडोर्स्ड दिस. इट इज नॉट अ पद यात्रा, इट इज अ पदों के लिए यात्रा फॉर पोस्ट. इट इज अ यात्रा फॉर रीलॉन्च, रीपैकेजिंग ऑफ राहुल गांधी फॉर 2024. वन थिंग कमलनाथ जी हैज अनविटिंगली एडमिटेड दैट एट बेस्ट दे कैन ओनली बी the opposition's prime ministerial candidate, which means in 2024 too, they will be in the opposition. Today, one thing is clear, that Rahul Gandhi only wants to do this so-called Bharat Jodo Yatra for his own political purpose. Kamalnath ji ne jo bayan diya hai, ye Kamalnath ji Congress party ke senior leader hai. Congress party ho, party. Apni baat कहेगी, लेकिन जब सारे ऑपोजिशन मिलकर बैठेंगे, सारे ऑपोजिशन के लीडर, तो फिर तय होगा. अभी 2024 में देर है. कांग्रेस पार्टी के तो राहुल गांधी हैं ही लीडर, वो पीएम के तो कैंडिडेट थे ही, पिछले बार भी थे 19 में. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कोई अभी बयान नहीं दिया है. और ये सारी चीजों को लेकर के जो कवायद चल रही है, जो संदेश बिहार से निकला है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तो कांग्रेस पार्टी से भी मुलाकात हुई थी, सभी विपक्षी पार्टियों से मुलाकात हुई थी, तो सब लोग मिलेंगे. सारे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ जो भी है, सब इकट्ठे होकर के तो कोई निर्णय होगा अभी इसमें. Well, yes, in fact, Pratibha, and that is where the BJP is hitting. देखिए अभी भारतवर्ष में 2029 तक पीएम वैकेंसी है ही नहीं. अभी तो 9 वैकेंसी है. मोदी जी के नेतृत्व में अभी कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से शासन में आने वाली है. और जहां तक का कांग्रेस के द्वारा पीएम प्रत्याशी घोषित करने की बात है, तो लगातार अब आजादी के बाद से अब तक वो गांधी परिवार से ही पीएम घोषित करते आए हैं. और आप देख रहे हैं कि 10 साल से उनकी प्रत्याशियों की क्या हश्र हुआ है. एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी आई है, और मैं समझता हूं उनके पास कोई फेस नहीं, कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास. इसलिए भी आप देखते जाइए, दर्जनों भी नाम और चेहरे आएंगे जो पीएम के भी प्रत्याशी बनेंगे और किसी और चीज के भी प्रत्याशी बनेंगे. मैं समझता हूं कि देश आज एकता, समन्वय, सौहार्द और एक राष्ट्रीय जो मजबूती है उसके साथ वो खुशहाली चाहता है, और वो सारी चीजें मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को मिल रहा है. इसलिए मैं कहता हूं कि अभी तो पीएम पद की 9 वैकेंसी है. ये विपक्ष हमेशा अलग अलग और मिल मिल कर भी ये बीजेपी का मुकाबला कर चुके हैं, और जितना ये मिलते हैं उतनी बुरी पराजय ये हारते हैं. इसलिए आप आज ये क्यों मानते हैं कि ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस ये अलग अलग दल है? इनके चुनाव निशान अलग हैं, इनका दिल एक है, इनका मोटिव, सिद्धांत, रीत एक है, और ये इन किन प्रकरण ये सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं. इसलिए ये अलग अलग बयान भले दे रहे हूं, लेकिन इनकी मन और मानसिकता एक है. इसलिए ये वो बार बार पराजित हुई है ऐसी मानसिकता, और फिर जो परिवारवादी मानसिकता है वो एक बार फिर से पराजित होगी. पीएम कैंडिडेट बन चुके हैं जिनको रात और दिन में दोनों सपने आते हों, तो वो दूसरों को अपने सपने में क्यों आने देंगे? Okay. लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जितने लोग भी सपना देखें ये उनका अधिकार है.